जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग जी? एज ऑलवेज मैं हूँ अहमद फरीद और आज का हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह अज़वजल प्लांट फैमिलीज के ऊपर। आज मैंने कोशिश की है कि किसी भी किस्म का इशू ना हो, अपने एंड में 120% ऐसे कह लीजिए तैयारी करके बैठा हूँ, तो होपफुली कि आज कोई भी इशू नहीं होगा। जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि कोई इशू है तो नहीं, अगर है तो उसको फिर हम कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना जी। अब आज तो मेरा वो शेर पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा जो एक दो बार मैंने पहले पढ़ा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये कुफ्र है ही इतना ढीठ कि ये टूट ही नहीं रहा, ये हमें तंग कर रहा है। सो बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई भी किसी किस्म का इशू ना हो। आप लोग अगर अपना टाइम निकाल के आते हैं तो आप लोगों को उसका एटलीस्ट कोई ना कोई बेनिफिट हो, तो आप लोग मुझे बता दीजिए तो ताकि हम आगे चलें। ऑल गुड है, सब ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक इट विल बी प्लांट फैमिली। देखिए पूरा प्लांट किंगडम है ना, उसके बारे में पढ़ रहा था मैं कि कोई 400 के करीब फैमिलीज हैं। अच्छा अब ये नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो फाइनल नहीं है कि टोटल फैमिलीज कितनी है प्लांट किंगडम के अंदर। तो देखिए कि चलिए चलिए ठीक, तो अब ये पहले बात ये समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा फैमिलीज हैं और प्लांट्स के करेक्टर्स को फैमिलीज की लेवल पे जाके याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा फैमिलीज के करेक्टर को इंडिविजुअली याद नहीं किया जा सकता। सो जो मोनोकोट्स और डाइकोट की फैमिलीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं टैक्सोनॉमी के हवाले से या उनके करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, और उन पे ही ज़्यादातर एग्जाम में फोकस किया जाता है। और मोनोकोट और डाइकोट फैमिलीज भी काफ़ी सारी हैं। अभी हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 18 फैमिलीज इंक्लूड की हैं। उन 18 फैमिलीज में से जो 5 फैमिलीज हैं वो मोनोकोट्स की हैं और जो 13 फैमिलीज हैं वो डाइकोट्स की हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन 18 फैमिलीज के करेक्टर्स को समझने की और उनका कोई कंपैरेटिव सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इन सारे करेक्टर्स को हम याद कैसे रख सकते हैं जी। ठीक है, तो अब इसमें होगा ये कि ऐसा नहीं होगा कि हमें ये 18 के 18 फैमिलीज के सारे करेक्टर्स ही याद हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट हमने कुछ थोड़ा सा इस तरह से तैयार किया है कि हो सकता है कि कुछ फैमिलीज के सारे करेक्टर हमें याद ना हो सकें। अब वो हमने इसलिए किया ऐसे, यानी कुछ फैमिलीज के हमने कम करेक्टर इंक्लूड किए, कुछ के ज़्यादा इंक्लूड किए, लेकिन हमने कोशिश की है कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जितना अच्छा हम बना सकते हैं उतना इसको बनाने की कोशिश करें। तो अभी फिर हम इसको शुरू करते हैं। एक दो बातें मैं और आप लोगों से करना चाहता हूँ। अच्छा मैं हमने ना ये जब डॉक्यूमेंट हम ये वाला बना रहे थे तो हमने बड़ी कोशिश की हमें कोई इंटरनेट पे मटेरियल मिल जाए, कोई यूट्यूब पे मिल जाए, कुछ मिल जाए कि जिस करने में आसानी हो जाए हमें, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो होप्स हो कि ये एक बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़बरदस्त सेशन रहेगा। मैं फैमिलीज पे जाने से पहले ज़रा आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस बता दूं मोनोकोट्स और डाइकोट्स का, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखें जी, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं आइदर दे कैन बी मोनोकोट्स और दे कैन बी डाइकोट्स। अब मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। पहली बात यह है कि मोनोकोट्स में हमेशा एक कोटिलेडन होगा और डाइकोट्स में हमेशा दो कोटिलेडन होते हैं। तो पहला तो फर्क ये हो गया मोनोकोट का और डाइकोट का। सो अच्छा अब ये ना मोनोकोट डाइकोट से आपने इनकी फैमिलीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो भी मोनोकोट फैमिली होगी उनमें उनके अंदर हमेशा एक कोटिलेडन होगा, जो भी डाइकोट फैमिली का प्लांट होगा उसके अंदर हमेशा दो कोटिलेडन होंगे। तो आपने इसको इस हिसाब से लेके चलना है कि जिस भी मोनोकोट फैमिली के प्लांट का नाम आपके जहन में आता है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि जितने करेक्टर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे उसमें होंगे। ठीक है, इसी तरह इवन अगर कोई डाइकोट प्लांट है, मतलब पालक है, जैसे मुझे अभी स्पिनच याद आ रही है डाइकोट की एग्जांपल स्पिनच, तो उसके अंदर देखिए डाइकोट कोटिलेडन हमेशा दो होंगे, स्पिनच की रूट हमेशा टैप होगी, स्पिनच के जो वो हैं वास्कुलर बंडल हैं वो हमेशा रिंग्ड होंगे, स्पिनच की जो विनेशन है वो हमेशा नेट लाइक होगी और उसकी सेपल्स और पेटल्स हमेशा 4 या 5 होंगी। तो इस तरह से आपने अभी
इसको लेके चलना है। अच्छा, कोटिलेडन की हमने बात कर ली, फिर मोनोकोट्स की रूट हमेशा फाइबरस रूट्स होती है, ऑलमोस्ट कह लीजिए, हमेशा नहीं कहना तो, और डाइकोट्स की रूट हमेशा टैप रूट होती है। अच्छा, फाइबरस रूट वो रूट होती है जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलती है, और टैप रूट वो होती है जो हमेशा रेडिकल से निकलती है। तीसरी बात वास्कुलर बंडल्स के बारे में, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मोनोकोट्स के वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। और अगर डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स के जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो हमेशा रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे रिंग आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, तो वास्कुलर बंडल्स इस तरह से होते हैं इनके डाइकोट्स के। लीफ की विनेशन मोनोकोट्स की हमेशा पैरेलल होगी और डाइकोट्स की विनेशन हमेशा नेट लाइक होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका विनेशन का भी डिफरेंस जो है हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। आखिरी बात, अच्छा फ्लावर्स के हवाले से एक तो मेन डिफरेंशिएशन है ही है ना मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में, वो चेंज नहीं हो सकती, और वो है सेपल्स और पेटल्स की। मोनोकोट्स की सेपल्स और पेटल्स हमेशा या तो तीन होंगी, यानी मिसाल के तौर पे मोनोकोट की एग्जांपल फर्द ने कहा जी ग्रासेस, तो किसी भी ग्रास में आप लेमन ग्रास की एग्जाम्पल ले लेते हैं चले, तो उसके अंदर उसके जो फ्लावर्स हैं या तो उसके ऊपर सेपल्स और पेटल्स तीन की तादाद में होंगी या फिर तीन के मल्टीपल्स की तादाद में होंगी, तीन या तीन के मल्टीपल्स, ठीक हो गया। और इसी तरह जो जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर सेपल्स और पेटल्स की तादाद या चार होती है या पांच होती है। ये तो हो गया हमारा एक जनरल डिफरेंस। अब इस जनरल डिफरेंस से आप लोगों ने याद रखना है, इस जनरल डिफरेंस को आपने याद रखना है, जो जो करेक्टर हमने यहाँ पढ़े हैं वो ऑटोमेटिकली जब भी किसी भी एक फैमिली को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये करेक्टर जो है ये आपने ऑटोमेटिकली अपने जहन में ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि भाई ये तो इनमें है ही है, कि मोनोकोट वाले करेक्टर सारी की सारी मोनोकोट फैमिलीज में है ही हैं और डाइकोट वाले करेक्टर सारी की सारी डाइकोट फैमिलीज में ही हैं, ठीक हो गया। अब ये फैमिलीज का वाला पेज आप लोगों के सामने आ रहा होगा, लेकिन फैमिलीज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हम लोग ये समझ लें कि हमने एक फैमिली के हवाले से एक्चुअली याद क्या क्या करना होता है। तो मैं साइड पर ज़रा लिखता हूँ, आप लोग भी मुझे याद करवाइए अगर मैं कुछ चीज़ मिस करता हूँ। सबसे पहले हमें पता हो कि इस फैमिली की या इस फैमिली के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स की सेपल्स कितनी है, एज फॉर सेपल्स, सेपल्स कितनी है और उनकी अरेंजमेंट क्या है। वो गैमो सेपल्स गैमो पेटल्स वो टर्म्स पढ़ते थे ना आप लोग, सेपल्स कितनी है, अरेंजमेंट क्या है, पेटल्स कितनी है, अरेंजमेंट क्या है। फिर तीसरा हर्ल आपको पता है, अच्छा वो लफ्ज हर्ल नहीं वर्ल होता है, वर्ल होता है वो लफ्ज। अच्छा पेटल्स कितनी है, किस अरेंजमेंट में है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो फीमेल पार्ट है जिसको हम गाइनेशियम कहते हैं, जिसके यूनिट्स को कार्पल्स कहते हैं, सी फॉर कार्पल्स कितनी हैं, कैसे हैं, यानी किस जो है वो अरेंजमेंट में। फिर जो चौथा हर वर्ल होता है हमारा एंड्रोशियम वाला, उसके इंडिविजुअल यूनिट्स को कहते हैं स्टेमन, तो स्टेमन कितने हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, पोजिशन क्या है, चार चीज़ें होंगी। अच्छा पांचवी बात हमें ये पता होना चाहिए होनी चाहिए कि ओवरी किस तरह के, ओवरी देखो आपने तीन तरह की पढ़ी हुई है, एक पढ़ी हुई है इन्फीरियर, एक सुपीरियर, एक और एक वो तीसरी टाइप भी होती है जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रही, ठीक है, पांच चीजें हो गई। फिर आई फॉर इन्फ्लोरिसेंस आपको पता होनी चाहिए कि इस फैमिली की इन्फ्लोरिसेंस कैसी है। फिर आपको एफ फॉर फ्रूट पता होना चाहिए कि इस फैमिली का फ्रूट कैसा है, ठीक है। चलो इनसे ऊपर मैं एक चीज लिख देता हूँ, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस फैमिली का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, यानी हर्मेफ्रोडाइट है, या फिर इसके फ्लावर्स जो हैं वो मेल और फीमेल के सेपरेट है। देखिए ना कुछ फ्लावर होते हैं जिनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं तो उनको बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, और कुछ फ्लावर होते हैं जो मेल फीमेल वाले जिनपे किसी फ्लावर पे मेल पार्ट होता है किसी फ्लावर पे फीमेल पार्ट होता है, फिर हम उनको मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी, हाँ रूट नहीं, रूट तो मोनोकोट डाइकोट की कंफर्म है ना, ये अभी हम ये इसके वाले से बात कर रहे हैं टेक्सोनमी के वाले से। हाँ ठीक है, एंड्रोशियम थर्ड हर्ल होता है और गाइनेशियम फोर्थ हर्ल होता है, ठीक। अच्छा फरहत सोनिया ये ना तुम लोग ऐसा करो, ये बाकी लोग जो हमारे क्लास फेलोज है ना एटलीस्ट, ये जो जिनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास पर्सनली है, तो उन सबको ना एक एक टेक्स्ट कर दो, यानी ये जो लोग रेगुलरली होते हैं ना इधर उनको ना टेक्स्ट कर दो, अगर किसी को नहीं भी पता चला तो वो आ जाइए। अब जो जो नहीं आएगा तो फिर उसने मेरे से बाद में बिस्ती ही अपनी करवानी है और तो कुछ नहीं है, तो चलो ये ना उनको कर दो।
हाँ भाई, रूट्स सोनिया, ये तो वो मेन डिफरेंस हमने कर लिया ना, सारी मोनोकोट्स में वही होती है, ट्यूबरस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, और जो है वो डाइकोट्स में टैप रूट होती है। अच्छा, और ये भाई करेक्टर बहुत ज्यादा है, ये करेक्टर याद करने आसान नहीं है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमने यहाँ कितनी प्लांट फैमिलीज को डिस्कस करना है, 18 फैमिलीज को। तो अगर आप ये करेक्टर गिने तो एटलीस्ट 10 बन जाते हैं, और 18 फैमिलीज के 10-10 करेक्टर जिनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे हो गया, एक और एग्जाम्पल, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें ना, तो फर्ज करो कि भाई 18 क्रिकेट की टीमें हैं और उनके हर टीम के अंदर 10-10 प्लेयर हैं, और आपने सारों हर टीम के 10-10 प्लेयर्स के नाम सीक्वेंस के साथ याद करने हैं। तो अभी ये मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये मेरे से रिलेट करती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना, लड़के क्रिकेट देखते हैं, तो 5-5 साल, 10-10 साल से भी जो लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, उनको भी सारी टीम्स के सारे प्लेयर्स के सीक्वेंस के साथ नाम याद नहीं होते, क्योंकि ये बहुत बड़ा रट्टा है। तो अगर हम करेक्टर्स की तो बात करते रहें तो वो ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे, बट हमने अपनी ईज और अपनी कन्वीनियंस भी देखनी है कि हम कितनों को याद कर सकते हैं। चल ठीक हो गया, अब आ जाए फैमिलीज के ऊपर। एक तो ये आप करेक्टर, ये जो मैंने लिखे हैं, ये आप अपने जहन में रख लें कि हमने इन सारों को डिस्कस करना है। टोटल फैमिलीज मैंने बताई हैं 18। चलें जी, इनका अब ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। 18 में से 5 फैमिलीज जो हैं जनाब, वो हैं मोनोकोट्स की, और 13 फैमिलीज जो हैं वो हैं डाइकोट्स की। अगर आपके पास एक फैमिली का नाम आता है, सबसे पहली बात तो ये है, और आपको यही पता नहीं है कि मोनोकोट है डाइकोट है, तो फंस गए आप लोग। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? पहले आप लोगों को जो चीज याद करनी है वो मोनोकोट फैमिलीज के नाम है। अगर आपको मोनोकोट फैमिलीज के नाम आते हैं, तो इसका मतलब है बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी डाइकोट्स हैं, वो सारी की सारी डाइकोट्स हैं। ठीक है, मुझे ना 1 मिनट इधर दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं जरा ना एक छोटी सी चीज कर लूं, फिर हम इसको इधर से ही शुरू करते हैं। जी, तो ये जो मोनोकोट्स हैं, इनके नाम याद रखने भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से इनके नाम याद रखे जा सकते हैं। अभी आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पर मोनोकोट्स वाली जगह पर एक चीज लिखी हुई है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इनको याद कैसे करना है। तो वो लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, वो लफ्ज है पालक, PALAC। तो ये एक्चुअली मैंने याद करने के लिए, मोनोकोट फैमिलीज के नाम याद करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया है। अब इसमें ये देखिए मोनोकोट्स में, कि चले मैं वापस आ गया हूं। अच्छा, अब मोनोकोट्स में आप ये देखिए कि हमने कहा 5 फैमिलीज हैं और डाइकोट्स में है 13 फैमिलीज। अगर आपको 5 के नाम आते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी भी हैं वो डाइकोट फैमिलीज होंगी। ये बात मैंने आपको की। अब आ जाइए कि इन मोनोकोट्स के नाम याद कैसे करने हैं। ये फैमिलीज हैं जी, पोएसी, एरिएसी, लिलिएसी, एमराल्डिएसी और कैनेसी। ये 5 फैमिलीज मोनोकोट्स की हैं। इनको याद करने के लिए आप ऊपर वाला लफ जो मैंने एक फॉर्मूला सा लिखा है पालक, इसको अगर आप याद कर लें तो आपको ये 5 फैमिलीज के नाम याद हो गए। इसका मतलब है आपको मोनोकोट याद हो गई, बाकी जो रहती हैं सारी की सारी वो डाइकोट्स हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन द डाइकोट, में पहले हम पहले ना इन्हीं को ही आगे जो है वो लेके चलने लगे हैं, मोनोकोट्स को ही, कि ये जो 5 फैमिलीज हैं इनके क्या क्या करेक्टर होते हैं, और इनको हम जरा मजीद इन डेप्थ में या डिटेल में जाके देखते हैं कि इनको कैसे याद करना है। तो अब ये पालक का लफ्ज पहले तो जरा याद रख लीजिए सारे लोग, पोएसी, एरेसी, लिलिएसी, एमराल्डिएसी, केनेसी। इसको जल्दी जल्दी आप 5-7 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको अभी आपके जेहन में सब कॉन्शियसली ही ये बैठना शुरू हो जाएगा कि पी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, फिर ए का क्या मतलब है, फिर सी का क्या मतलब है, अब एंड पे सी है। अब आपने इसको उधर नहीं ले जाना कि ये पालक है, इसको आप पैलस करके भी याद कर सकते हैं। पैलस से चलो आपको सी याद रहेगा, PALAC, पैलस। ठीक है, मिसपेल कर लें इसको, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलो तो भाई पालक का लफ्ज याद रखना है तुम लोगों ने। अब इस पालक को हम जो है ना वो गंगोलने वाले हैं, ओएसी, एरिकेसी, लिलिएसी, केनेसी और एमराल्डी एसी। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा मजीद आगे लेके चलते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इन इन 5 में से जो 3 फैमिलीज हैं जी, वो लफ्ज आप याद रखें, PALAC। तो उन 5 में से उसी सीक्वेंस में जो पहली 3 फैमिलीज है ना, पोएसी, एरिएसी और लिलिएसी,
उनके बारे में एक करेक्टर याद रखो कि वो उनकी ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, और जो आखिरी दो फैमिलीज हैं एमराल्डिएसी और कैनेसी उनकी ओवरी इनफीरियर होती है। तो अब देखो हमने इन पांच फैमिलीज को डिवाइड कर लिया है दो कैटेगरीज में, पहली तीन में ओवरी सुपीरियर और आखिरी दो में ओवरी इनफीरियर, तो डिवीजन हो गई। अब वो याद करो उन उन सात आठ करेक्टर्स में से हमारा एक करेक्टर रिजॉल्व हो गया है ऑलरेडी ही, कि इनके अंदर तीन के अंदर ओवरी सुपीरियर है और दो के अंदर ओवरी इन्फीरियर है, और वो भी आपको पता है PAL के अंदर ओवरी सुपीरियर है, CAC के अंदर ओवरी इन्फीरियर है। अच्छा यहाँ पर दो तीन चीजें मैं और तुम लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। भाई ऊपर हम पढ़ के आए हैं उस चार्ट में कि जो मोनोकोट होंगे हमेशा उनके अंदर या तो सेपल्स और पेटल्स तीन होंगी या फिर तीन के मल्टीपल होंगी। अब हम यहाँ पर मोनोकोट्स के अंदर ये चीज भी यहाँ ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई या तो इनके अंदर सेपल्स और पेटल्स तीन तीन होनी है या फिर तीन के मल्टीपल होने। अभी जब हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मल्टीपल हैं या तीन तीन है। ठीक है चले, ये बात भी हो गई। अभी जरा सीक्वेंस को देखना है। कि हमने पहले पांच को अलहदा किया है मोनोकोट्स वाली फैमिलीज को, उनको अभी देखो फिर हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि तीन जिनमें ओवरी सुपीरियर है। तो अभी हम इन तीन को मजीद डिटेल में ले जाने लगे हैं, यानी ये जो पोएसी एरिकेसी और लिलिएसी है इन तीनों को हम जरा मजीद गंगालने की कोशिश करने लगे हैं कि इनमें आगे मजीद क्या डिफरेंसेस होते हैं। आ जाओ भाई थोड़ा सा हम नीचे अगर चलें तो ये लीजिए मोनोकोट्स विद सुपीरियर ओवरी, हेडिंग सबको नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका क्या मतलब है भला, यानी वो मोनोकोट जिनके अंदर ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये कौन कौन सी हैं, ये तीन फैमिलीज हैं पोएसी एरिकेसी और लिलिएसी। चलिए अब इनको थोड़ा सा मजीद डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो सेपल्स पेटल्स की बात होगी ना कि इनमें तीन तीन होंगी या तीन के मल्टीपल होंगे, तो अब पहले दो हर्ल तो हमारे हल हो गए, तीसरा हर्ल कौन सा आता है, कार्पल का हर्ल आता है। तो ये जो पहली फैमिली है पोएसी इसके अंदर कार्पल होती है एक, यानी ये मोनोकार्पिलरी हो गई, सीक्वेंस बना के चलो बस। ठीक है वो तीन फैमिली जिनमें ओवरी सुपीरियर है मोनोकोट्स के अंदर, उनके अंदर जो पोएसी है उनके अंदर पोएसी के अंदर कार्पल एक है, और जो बाकी दोनों हैं एरिकेसी और लिलिएसी उन दोनों के अंदर कार्पल्स कितनी कितनी हैं, तीन तीन है। तो अब भाई तीन हर्ल हल हो गए हमारे। सेपल्स मैंने तुम लोग पहले ही बता दिया तीन या तीन के मल्टीपल होंगे, पेटल भी तीन या तीन के मल्टीपल होंगे, और पोएसी में कार्पल एक है, और एरिकेसी और लिलिएसी में कार्पल्स कितनी कितनी हैं, तीन तीन है। ठीक है चलो इससे जरा आगे चलते हैं, कार्पल्स का भी मसला हल हो गया। अब आ जाओ पेरियांथ के ऊपर, अगेन पेरियांथ। अब मैं होना एक्चुअली ये चाहिए कि मैं लफ्ज बोलूं तो वो आप लोगों को पता हो कि ये टर्म इसका क्या मतलब है, पेरियांथ में पेटल्स को इकट्ठे पेरियांथ कहते हैं। ठीक है जो पोएसी की पेरियांथ है उसमें उसका एक स्पेशल करेक्टर है कि उसके साथ लोडिक्यूल्स लगे होते हैं। अगेन लोडिक्यूल्स भी आप जो है ना, अब मैं बार बार कहूंगा नहीं कि आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। लोडिक्यूल जो है वो आउटग्रोथ होती हैं, जो सेपल्स पेटल्स पे आई थिंक निकलती हैं उनको उन आउटग्रोथ को लोडिक्यूल्स कहते हैं। तो पोएसी की पेरियांथ पे दो छोटे छोटे लोडिक्यूल्स होते हैं, और इसकी पेरियांथ का टोटल नंबर सिक्स ही होता है, सिक्स में से मतलब तीन सेपल्स और तीन पेटल्स, पोएसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर इधर आ जाए जो एरिकेसी और लिलिएसी है उनके अंदर भी पेरियांथ के लीव्स की तादाद छह ही होती है, और वो कलर्ड भी हो सकते हैं और वाइट भी हो सकते हैं। अब यानी ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि एरिकेसी और लिलिएसी के जो पेरियांथ है, पेरियांथ मतलब सेपल्स और पेटल्स, वो कलर्ड भी हो सकती हैं और वाइट भी। तो भाई तीन हर्ल्स हो गए, सेपल्स पेटल्स और कार्पल, चौथे हर्ल पे आ जाओ स्टेमन के ऊपर। पोएसी में स्टेमन तीन होते हैं और एरिकेसी और लिलिएसी में स्टेमन की जो तादाद है वो छह छह होती है। तो अब देखो एक क्लियर डिफरेंस बन रहा है कि कौन सी चीज कैसे है, इसको आपने ऐसे ही लेके चलना है। अच्छा अगर पोएसी को थोड़ा सा मजीद हम डिटेल में देखें तो उसके स्टिग्मा जो है वो फिदरी होते हैं, और स्टिग्मा की तादाद जो है वो दो होती है, चारों के चारों हर्ल हो गए, चौथा स्टेमन वाला हर्ल भी हमने डिस्कस कर लिया। पांचवी चीज पे आ जाओ इन्फ्लोरिसेंस के ऊपर। जो पोएसी की इन्फ्लोरिसेंस है वो बेसिकली होती है स्पाइकलेट,
हम उस दिन वीट की बात कर रहे थे, तो आई थिंक कि वीट फैमिली भी पोएसी से ही है ना, ऐसे ही है ना। तो हमने तब कहा था कि हाँ वीट की जो इनफ्लोरिसेंस है वो स्पाइकलेट की तरह की होती है। सो वी कैन से कि जो पोएसी फैमिली है उसकी इनफ्लोरिसेंस कैसी होती है, वो स्पाइकलेट की होती है। और इसका अगर हम फ्रूट यहां पर ही डिस्कस कर लें, तो अब पोएसी फैमिली क्योंकि काफी बड़ी फैमिली है, तो इसलिए इसके अंदर फ्रूट में काफी वेरिएशंस हैं। यानी इसका फ्रूट एकीन भी हो सकता है, पढ़ा हुआ है हमने, और सम टाइम्स ये नट या बेरी की तरह का भी हो सकता है। चलिए, ये पोएसी होगी, यानी वो मोनोकोट्स की 5 फैमिलीज में पालक में से वो जो पी है, ये पी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ एरिकेसी और लिलिएसी के ऊपर, इनकी इनफ्लोरिसेंस पहले तो देख लेते हैं। एरिकेसी की इनफ्लोरिसेंस, इट इज इंक्लोज्ड इन परसिस्टेंट स्पैथ। ये स्पैथ एक कवरिंग होती है बेसिकली, तो इसकी इनफ्लोरिसेंस स्पैथ में इंक्लोज्ड होती है। और जो लिलिएसी है इसकी इनफ्लोरिसेंस होती है जी रेसीम स्केपिजिरस, मतलब रेस मोज इनफ्लोरिसेंस होती है इसकी लिलिएसी की। अब ये हम जब इनफ्लोरिसेंसेज और फ्रूट्स याद कर रहे थे, तो तभी तब भी हमने ये बात की थी कि इनको इनकी फैमिली के नाम के साथ कोशिश करनी है याद करने की। सो द सेम इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। अभी हम चरकदी उबाल के आपको देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब अगर एरिकेसी और लिलिएसी के फ्रूट की बात कर लें, तो एरिकेसी में फ्रूट होता है या तो बेरी या ड्रूप, तो इन दोनों में से कोई भी फ्रूट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की स्पीशी कौन सी है। इसी तरह लिलिएसी का जो फ्रूट है इट कैन बी बेरी और इट कैन बी कैप्सूल। तो अब आपने अगर फ्रूट में फैमिलीज के नेम याद किए हुए, तो वो आपको यहाँ हेल्प हो जाएगी कि आप फैमिली से डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लोगे। अगर आपने वहां याद नहीं किए, तो फिर आप फैमिली से फ्रूट को कनेक्ट कर लो कि किस फैमिली में कौन सा फ्रूट होगा। तो होपफुली कि ये चीजें हो जाएंगी। लास्टली, अच्छा, अब यहाँ पर लीव्स की बात हुई है। अगेन लीव्स में मैं तो मतलब पर्सनली नहीं जाऊंगा लीव्स की डिटेल में कि लीव्स याद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। खैर, हमने लिखे हैं, अगर आप इनको याद करना चाहें तो मतलब ये आप लोगों के ऊपर है। एरिकेसी के लीव्स जो हैं वो लार्ज कंपाउंड लीव्स होते हैं, फैन लाइक होते हैं, और जो लिलिएसी है उसके लीव्स नैरो होते हैं। तो ये इनका इस तरह से भी थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ तक ना 3 फैमिलीज कवर हो गई हैं उनके, यानी मैंने ऊपर 10 करेक्टर गिनवाए थे ना, तो उनके 10 ना से एटलीस्ट कुछ 7 7 8 8 करेक्टर इन तीनों फैमिलीज के कवर हो गए। कौन सी वाला 3? जो पालक के पैलस के एंड पे 3 आती हैं, पोएसी एरिकेसी और लिलिएसी। अब 2 रह गई हैं, एक रह गई है कौन कौन सी थी भाई, तो नाम भी अभी से भूल रहे हैं। एक कैनेसी थी और एक एमराल्डी एसी थी। ठीक है, चल अब आ जाओ इधर इन दोनों के ऊपर, वो जो हमारा एसी एंड पे रह गया था, एमराल्डी एसी और कैनेसी। एक बात हमने इनके बारे में पहले ही कर ली थी, इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए, कि इनकी जो ओवरी है वो इनफीरियर होती है। ठीक है, ओवरी इनफीरियर है। एक और करेक्टर इनका भी याद रखना है तुम लोगों ने, कि ये ट्राई कार्पिलरी होती है, इनके अंदर भी कार्पल की तादाद 3 होती है। अच्छा, यहां पर आप इसको एक और तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो इन 5ों फैमिलीज को, कि पैलस में सिर्फ पी जो पोएसी है उसके अंदर एक कार्पल होती है, बाकी 4ों में 3 3 कार्पल सी होती हैं। यानी वो जो थी एरिकेसी और लिलिएसी और अब ये कैनेसी और एमराल्डीएसी, तो इन 4ों में कार्पल्स की तादाद 3 3 ही होती है। ठीक है, तो 3 वर्ल हो गए। चौथा वर्ल आप लोगों को पता है कि स्टेमन्स का होता है, तो स्टेमन्स के बारे में एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हम इनके अंदर कर लेते हैं। कि जो केनेसी के स्टेमन्स है ना जी, वो कलर्ड होते हैं, उनके फिलामेंट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं, और जो एमराल्डीएसी है उसके स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स हैं वो कलर्ड नहीं होते। तो हम फिर केनेसी और एमराल्डीएसी को मजीद ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसके स्टेमन्स कलर्ड और इसके स्टेमन्स कलर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कि केनेसी का जो एंथर है वो मोनोथीशियस होता है और एमराल्डीएसी का एंथर जो है वो डाइथीशियस होता है। ये स्टेमन जो है ना, ये कुछ इस किस्म का होता है,
यानी ये नीचे, ये पूरे स्टेमन की स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं एफ फॉर फिलामेंट, इसको कहते हैं एफ फॉर फिलामेंट, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं एंथर। ठीक है, अब इस एंथर के बारे में ये हमने दो टर्म्स लिखी हैं कि केनेसी का एंथर मोनोथीशियस और एमराल्डियसी का एंथर डाइथीशियस होता है। अब मोनोथीशियस डाइथीशियस को समझ लीजिए, ऐसा एंथर जी जिस जो वन चैम्बर्ड हो उसको मोनोथीशियस एंथर कहते हैं, और ऐसा एंथर जो टू चैम्बर्ड हो उसको डाइथीशियस एंथर कहते हैं। ये एंथर की ना स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरह की होती है, बाजुकात होता यह है कि एंथर दरमियान में से ऐसे डिवाइडेड होता है तो ये इसके दो चैम्बर बन जाते हैं। तो अगर एंथर इस तरह से हो तो उसको हम डाइथीशियस चैम्बर एंथर कहते हैं, और अगर इसमें एक ही चैम्बर हो यानी कि ऐसा हो ये, तो इसको फिर वन चैम्बर्ड या मोनोथीशियस कहते हैं। मोनोथीशियस के अंदर एक्चुअली जो है सिर्फ दो पोलन सैक होते हैं, यानी एक चैम्बर के अंदर दो पोलन सैक, और डाइथीशियस के अंदर अब क्योंकि चैम्बर दो होते हैं तो उसके अंदर पोलन की तादाद चार होती है। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। ये जो हमारे पास केनेसी और एमराइल्डी ऐसी हैं, इनके अंदर आई थिंक स्टेमन्स जो है वो उनकी तादाद काउंटलेस होती है, यानी इन्फिनिट होते हैं। इसको जरा मजीद आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इनके अंदर स्टेमन की तादाद कितनी कितनी होती है। मेरे हिसाब से ये जो है ये काउंटलेस होते हैं। तो अभी अगर आप लोग हाजिर बैठे हैं, प्रेजेंट बैठे हैं, आप लोगों के दिमाग चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि हमारी पांच फैमिलीज कवर हो गई हुई हैं। 18 में से हमने पांच फैमिलीज कवर कर ली हैं, अभी बाकी हमारी 13 रह गई हैं जो कि डाइकोट्स हैं। तो अब मैं डाइकोट्स पे आने लगा हूँ, आप भी मेरे साथ डाइकोट्स पे आ जाइए। तो डाइकोट्स में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास हैं 13। ठीक है, चलो तो इन 13 में से एक फैमिली को हम सबसे पहले ही निकालने लगे हैं, आउट ऑफ द लीक करने लगे हैं, एंड दैट फैमिली इज चिनोपोडिएसी। ये जो चने वाली फैमिली है, ये इसमें अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है वो बाकी डाइकोट फैमिली से अलहदा बनाई हुई है। तो 13 में से एक फैमिली अलहदा हो गई और 12 फैमिलीज अलहदा हो गई। अब ये क्यों अलहदा है ये पढ़ लीजिए। ये अलहदा इसलिए है क्योंकि इसकी जो पेरियांथ होती है, यानी इसके जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं, वो केलिक्स कोरोला में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, यानी चिनोपोडिएसी के मेंबर्स को देख के पता नहीं चलता कि इनकी सेपल्स कौन सी हैं और इनकी पेटल्स कौन सी हैं, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। तो इसलिए फिर हमने चिनोपोडिएसी को बाकी फैमिली से कर ही अलहदा दिया है। लेकिन जो बाकी डाइकोट्स फैमिलीज हैं सारी की सारी, उनमें जो पेरियांथ होती है इट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू केलिक्स एंड कोरोला। ठीक हो गया, चल अब ये जो चिनोपोडिएसी, अब क्योंकि हमने इसको कर अलहदा लिया तो इसके करेक्टर भी अभी ही पढ़ लेते हैं। सेपल्स पेटल्स ही, जैसे हम वो पहले बात कर रहे थे कि अब हम आ गए हैं डाइकोट्स में, तो यहाँ सेपल्स पेटल्स या चार होनी है या पांच होनी है। तो पेरी जो चिनोपोडिएसी है उसके अंदर जो पेरियांथ के लीव्स होते हैं उनकी तादाद पांच पांच होती है, स्टेमन्स भी इसमें पांच होते हैं, गाइनेशियम की जो कार्पल्स हैं वो दो होती हैं, ओवरी इसकी सुपीरियर है, इनफ्लोरिसेंस इसकी साइमोज है, और फ्रूट जो है इसका नट होता है। अब चने को देख के डेफिनेटली जहन में तो यही आता है कि चिनोपोडिएसी का जो फ्रूट है वो नट ही होता होगा। ठीक है, तो ये फ्रूट तो याद रखना आसान है। बाकी अब इसके जो बाकी करेक्टर हैं चिनोपोडिएसी के, वो आप लोग ऐसा कीजिए कि चिनोपोडिएसी को रिमेम्बर करने के लिए एक बार इसका फ्लावर और फ्रूट जो है उसको विजुअलाइज कर लीजिए गूगल पे देख के, तो फिर जो है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। चल ठीक है, सो हेयर वी आर, वी हैव रूल्ड आउट वन फैमिली चिनोपोडिएसी, बाकी हमारे पास फैमिलीज रह गई 12। मुझे ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को समझ आ रही है, हो क्या रहा है जी, समझ आ रही है आप लोगों को कि हो क्या रहा है। अभी 12 फैमिलीज रह गई हैं, बाकी 12 को ना मैं मजीद आगे डिफ्रेंशिएट करने लगा हूं एक चीज के ऊपर, और वो चीज है, अच्छा 12 फैमिलीज रह गई, इन 12 को ना हम आगे मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड देम इनटू अ ग्रुप ऑफ 8 फैमिलीज एंड अ ग्रुप ऑफ 4 फैमिलीज। ठीक है, अच्छा ये हम इनको डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर पेरियांथ। दोबारा लाइन सुन लीजिए, ये हम इनको कर रहे हैं डिवाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरियांथ, के इनके अंदर जो पेटल्स हैं वो जुड़ी हुई हैं या फ्री हैं, वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं।
तो जो वो फैमिलीज जिनके अंदर जो पेटल्स होती हैं वो फ्री होती हैं, एफ फॉर फ्री। अच्छा, इसके लिए अगर हम वो टर्म यूज कर लें तो वो पॉलीपेटलस हो जाएगी ना। तो वो फैमिलीज जिनके अंदर पेटल्स पॉलीपेटलस हैं वो 8 हैं, और वो फैमिलीज जिनके अंदर पेटल्स जुड़ी होती हैं यानी उनकी पेटल्स गैमोपेटलस होती हैं, उनकी तादाद है 4। तो हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। हम पहले जो गैमोपेटलस फैमिलीज है हमारी, यानी ऐसी फैमिलीज जिनके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड होती हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं चारों को, इन 8 पे बाद में आ जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चलो, तो ये तुम लोगों को गैमोपेटलस अब नजर आ रही होंगी, यानी आउट ऑफ 12 डाइकोट फैमिलीज 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर पेटल्स गैमोपेटलस होती हैं, यानी फ्यूज्ड होती हैं, यानी पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, इनको याद रखने के लिए भी ये मैंने एक बना दिया है, CASL, कैसल। कैसल के स्पेलिंग तो और होते हैं लेकिन आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, कैसल के तौर पे। ऊपर हमने देखिए इमारतों की, आज तो हम बड़ी बड़ी इमारतों की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने पैलेस बना दिया था, यहाँ आके हमने पैलेस को कैसल बना दिया है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो आप इसको गैमोपेटल फैमिलीज को ऐसे याद रख सकते हैं, कैसल जी, CASL। सी फॉर कैरियोफिलेसी, ए फॉर एस्ट्रेसी, एस फॉर सोलिनेसी एंड एल फॉर लिमिएसी। कैरियोफिलेसी, एस्ट्रेसी, सोलेसी, सोलेनेसी एंड लिमिएसी, 4-5 बार आप इनको जब जल्दी 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 पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक करेक्टर हो गया कि पेटल्स की पोजीशन क्या है। चलो दूसरा करेक्टर भी कर लो कि पेटल्स भी 5 होती हैं, पेटल्स भी 5, सेपल्स भी 5, और इनकी पेटल की पोजीशन कैसी, गैमोपेटलस, मतलब ये फ्यूज हुई हुई है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो। इन 4 में से ये जो दो फैमिलीज हैं, पहली CA कैरियोफिलेसी और एस्ट्रेसी, इनके अंदर ओवरी होती है इन्फीरियर, और ये जो है SL, सोलेनेसी और लिमिएसी, इनके अंदर ओवरी होती है सुपीरियर। लो भाई, मजीद डिवीजन हमने कर दी, CA हैज इन्फीरियर ओवरी एंड SL हैव सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ओवरी भी गई, सेपल्स भी गई, पेटल्स भी गई, पेटल्स की पोजीशन भी पता चल गई। यहां पर एक और बात, इन चारों की चारों फैमिलीज में जो कार्पल की तादाद होती है वो 2 होती है। चारों की चारों गैमोपेटलस फैमिलीज जो है वो बाइकार्पल रही है। वाह, मौज होगी, मौजें होगी। चारों की चारों फैमिलीज जो गैमोपेटलस हैं वो कौन सी हैं, वो बाइकार्पल रही हैं। तो सेपल भी हो गया, पेटल भी हो गया, कार्पल्स भी होगी, रह क्या गया, एक स्टेमन रह गए, इनफ्लोरिसेंस रह गई और फ्रूट रह गया। ठीक है, तो फिर इधर से शुरू करते हैं जो राइट साइड है, यहां से ना, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा वो CASL जो कैसल है वो यहां से शुरू हो रहा है। तो जो कैरियोफिलेसी फैमिली है उसका एक्चुअली जो एक डिफरेंस निकाला जा सकता है एस्ट्रेसी फैमिली से, वो ये है कि एस्ट्रेसी के अंदर जो इन्फ्लोरिसेंस है वो कैपिचुलम होती है, आपको पता है क्या होती है, मैं बताऊंगा नहीं। और जो कैरियोफिलेसी है उसके अंदर जो इन्फ्लोरिसेंस है वो कैपिचुलम नहीं होती। ठीक है, अब थोड़ा सा ना एस्ट्रेसी को मजीद डिटेल में डिस्कस कर ले, ये बातें वैसे हमने कर ली हैं। करोला भी 5 है पता है हमें, कार्पल्स भी 2 हैं ये भी हमें पता है, कैलेक्स भी 5 है ये भी हमें पता है। एक जो चीज अब यहां पर मतलब नई लिखी हुई है, जो जो हमने यहां पर ऊपर नहीं पढ़ी, वो ये है कि एस्ट्रेसी के अंदर स्टेमंस की तादाद होती है 5। ठीक है, एस्ट्रेसी के अंदर स्टेमंस की तादाद 5 होती है। ठीक हो गया, अब चलो फिर इस पहले स्टेमंस को ही कनेक्ट कर लेते हैं। एस्ट्रेसी के अंदर 5 होते हैं, फिर सोलेनेसी के अंदर भी 5 होते हैं, और जो लिमिएसी है उसके अंदर 4 स्टेमन होते हैं। तो इसका आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हो कि एस्ट्रेसी में 5, सोलिनेसी में 5 और लिमिएसी में 4। अब आप ये पूछोगे कि कैरियोफिलेसी में जो है उसमें जो ये है स्टेमन की तादाद वो नहीं लिखी हुई, तो फर्ज जरा इसके बारे में थोड़ा सा ना यहाँ पर इलेबोरेट कर दो कि इसका कैरियोफिलेसी का क्या सीन है। ये तो एक बात होगी ना कि अच्छा ये बुक में डिस्कस्ड नहीं है, तो ये फिर हमने खुद ऐड की है कि
कैरियोफाइलेसी वाली। तो अब बाकी जो करेक्टर फिर जिस जिस फैमिली के जो जो बुक में लिखे हुए थे वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसका कोई और करेक्टर है ना अगर फर्द कैरियोफाइलेसी का, तो वो फिर यहाँ मेंशन कर दो, मैं बाकी इन तीनों को लेके आगे चलने लगा हूँ। तो कैसल का जो हमारा सी है दैट वॉज नॉट मेंशन इन द बुक गाइज, सो उसको थोड़ा सा साइड पर रख के फिर हम इनको जरा अभी देख लेते हैं, यानी देख रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, तो सेपल्स भी होगी, पेटल्स भी होगी, कार्पल्स भी होगी, स्टेमन्स भी हो गए, क्यों भाई हो गए ना। अब रह गई क्या, इनफ्लोरिसेंस और फ्रूट, ठीक है। अच्छा, एक एक डिफरेंस डिस्कस था, तो बस ठीक है, एक ही था तो काफी है। अब रह क्या गया, इनफ्लोरिसेंस और फ्रूट रह गया। तो जो एस्ट्रेसी फैमिली है इसका तो इनफ्लोरिसेंस हमने डिस्कस कर लिया कि इसका इनफ्लोरिसेंस होता है कैपिचुलम, ठीक हो गया। जो हमारी सोलेनेसी फैमिली है इसकी इनफ्लोरिसेंस होती है साइमोस, सिंपल साइमोस, ठीक है, सोलेनम टू बर्सम वाली फैमिली है। और जो लिमिएसी फैमिली है इसकी इनफ्लोरिसेंस होती है वर्टिसिलेस्टर, ये भी एक इनफ्लोरिसेंस की टाइप है, ये हमने पढ़ी नहीं है, ये आप गूगल कर लीजिएगा लाजमी कि ये कौन सी इनफ्लोरिसेंस होती है। तो इनफ्लोरिसेंसिस होगी, लास्ट चीज क्या रह गया, फ्रूट रह गया। एस्ट्रेसी का फ्रूट होता है जी सिप्सेला या एकीन, सोलेनेसी का फ्रूट होता है कैप्सूल या बेरी, और लिमिएसी का फ्रूट होता है शिजोका। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो अब यहाँ पर आया है वो इनफ्लोरिसेंस और फ्रूट में ही आया है, बाकी तो अगर आप देखो तो इन सारी फैमिलीज के जो सेपल्स पेटल्स और कार्पल्स के करेक्टर थे वो तो इन चारों के ऑलमोस्ट सेम थे, पांच सेपल पांच पेटल्स और दो कार्पल्स। फिर जब हम स्टेमन्स पे आए हैं तो एस्ट्रेसी में पांच स्टेमन, सोलेनेसी में भी पांच स्टेमन और लिमिएसी में चार स्टेमन थे। अब बाकी जो इनफ्लोरिसेंस है और फ्रूट है वो अगेन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आप फ्रूट को फैमिली से कनेक्ट कर लें या फैमिली को फ्रूट से कनेक्ट कर लें, इट इज एज पर योर चॉइस। सो भाई बच्चों और बड़ों, ये चार फैमिलीज हमने और रूल आउट कर दी हैं, ठीक है। 13 में से पहले हमने एक रूल आउट की चिनोपोडिएसी, फिर हमने कैसल को भी रूल आउट कर दिया। कैसल के बारे में हमने कहा दीज आर द फोर फैमिलीज एक्चुअली दैट हैव गैमोपेटलस सेपल्स, यानी ऐसी सेपल्स जो कि फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ उनके ऊपर, उन फैमिलीज के ऊपर जिनके अंदर जो पेटल्स हैं वो फ्री होती हैं, पॉलीपेटलस होती हैं वो, चलें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनको भी याद रखने का एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने बना हुआ है, उसको मैं साथ साथ बोल देता हूँ, आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो मैंने ब्रैकेट में नीचे पॉलीपेटलस की एक लाइन लिखी है, इस लाइन से हम कैसे फैमिलीज को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक लाइन लिख दी है कि रिसोर्सिस, आर फॉर रिसोर्सिस, F for far, random male carbs, carbs carbohydrates को कहते हैं ना, तो इसको फिर मैंने इस तरह से कर लिया है, ये हमने एक sentence बना दिया है इन आठ families के नाम याद रखने के लिए, कि आप जल्दी जल्दी से दोहराओगे जब जहन में तीन चार बार, resources for random male carbs, resources for random male carbs, इस तरह से, तो ये sentence आपको याद हो जाएगा। और exam में जब बंदा बैठता है तो अच्छा, polypetals families वो होती है ना जिसको मैंने याद किया था, वो एक सेंटेंस है, तो इस तरह फिर वो सेंटेंस बन देंगे। अच्छा, तो इस तरह से वो बंदे को फिर जो है ना ये नाम याद रह जाते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज फॉर रैंडम मेल कार्ब, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको ना मैंने अभी मजीद यहां पे डिफरेंशिएट करना है। ये जो पहले तीन लफ्ज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, अब हम इन आठ को, चले पहले इनके नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज आर फॉर रेनन्कुलेसी, फॉर रिसोर्सेज रेनन्कुलेसी, अच्छा नहीं ये उलट हो गया ना, ये इसको मैंने ऐसे किया, रिसोर्सेज आप याद रख लो रोजेसी, रिसोर्सेज रोजेसी, रिसोर्सेज रोजेसी, मिलते जुलते नाम है। फॉर से फेबेसी, रैंडम से रेनन्कुलेसी, इसके इसकी शुरू में भी आर ए एन आता है, रेनन्कुलेसी की शुरू में भी आर ए एन आता है। रिसोर्सेज फॉर रैंडम, रोजेसी फेबेसी रेनन्कुलेसी, मेल, मेल से मालवेसी याद रख लो, ठीक हो गया, वाह, मेल से मालवेसी याद रख लो, और एंड पे आपके पास चार लफ्ज बच गए कार्ब के। सी फॉर कुकरबिटेसी, ए फॉर एपीएसी, आर फॉर रोटेसी, और बी फॉर ब्रासिकेसी, ठीक हो गया। सो रोजेसी फेबेसी रेनन्कुलेसी, मालवेसी, कुकरबिटेसी, एपीएसी, रोटेसी और ब्रासिकेसी,
जी होगी 8 families। अब इनको ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं, ये तीन अलहदा, रोजेसी फेबेसी और रेनानकुलेसी, और मेल कार्प यानी के मालवेसी कुकरबिटेसी एपीएसी रोटेसी और ब्रासिकेसी अलहदा। अच्छा इनको हमने क्यों डिफ्रेंशिएट किया है? हाँ भाई ध्यान से जरा देखिए इनको क्यों हमने डिफ्रेंशिएट किया। इनको जनाबे अली हमने डिफ्रेंशिएट किया है इनकी एपोकार्पस और सिनकार्पस होने की बेस पे। ये कार्पस की स्ट्रक्चर के हवाले से करेक्टर है एपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है। तो जो आर एफ आर है रोजेसी फेबेसी रेनानकुलेसी दे आर एपोकार्पस एंड माई कार एंड मेल कार्प दे आर सिनकार्पस, ठीक है। चलो यहां पर ना अभी हम जरा अपना बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना वो दोबारा उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। ये याद है ना 5 इनमें होंगी या 4 या 5 सेपल्स होंगी, 4 या 5 पेटल्स होंगी, याद है सबको। और सेपल्स और पेटल्स अलहदा अलहदा हैं इनकी सारों की, और ये पेटल्स की पोजीशन के बारे में भी हमने बात कर ली है कि ये पॉलीपेटलस हैं यानी कि इनकी पेटल्स फ्री हैं, ठीक है। एक करेक्टर हमने ऐड कौन सा किया है कि आर एफ आर दे आर एपोकार्पस एंड मेल कार्प्स दे आर सिनकार्पस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फिर इनके ओवरी ओवरी पे के किसकी ओवरी जो है वो इन्फीरियर है सुपीरियर है। अब फिर ओवरी पे आ जाते हैं फिर कार्प फिर डिस्कस कर लेंगे कार्पल्स की तादाद को फिर स्टेमन्स की तादाद को, सही है। बाकी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा तो यहां से शुरू होना है रोजेसी से। पहला आर हमारा रोजेसी का है ना, दूसरा फेबेसी एफ फेबेसी का और तीसरा आर रेनानकुलेसी का। तो फिर यहां से शुरू होते हैं रोजेसी से। रोजेसी के बारे में फिर सुन लीजिए एक बात कि रोजेसी की जो ओवरी होती है इट इज शॉर्टर देन स्टाइल। रोजेसी की जो ओवरी है वो स्टाइल से छोटी होती है, और जो फेबेसी है इसकी जो ओवरी है वो स्टाइल से या तो लंबी होती है, यानी यहाँ डिपेंड करता है। एक्चुअली ना फेबेसी फैमिली काफी बड़ी है, ठीक है। तो अब इसमें जो ओवरी है वो या तो स्टाइल के इक्वल होती है या फिर स्टाइल से लंबी होती है, ठीक हो गया। इसके बाद एक दो बातें और। रोजेसी का जो ये जो फेबेसी है इसका फ्रूट होता है लेग्यूम, यूजली लेग्यूम होता है। अगेन अभी ना इस फेबेसी में भी आगे जाके थोड़ी सी वेरिएशन आ जानी है। सारी की सारी फेबेसी फैमिली जो है उसका फ्रूट लेग्यूम नहीं होता, कुछ फेबेसी के स्पीशीज ऐसी हैं जिनका फ्रूट लेग्यूम नहीं भी होता, बट यूजली हम यही कंसिडर कहते हैं करते हैं कि अब फेबेसी का, क्योंकि वो पुराना नाम अगर आप याद करें तो लेग्यूमिनोजी था, तो इसका फ्रूट जो है वो लेग्यूम, कॉमनली हम इसका फ्रूट जो है वो लेग्यूम ही कंसिडर करेंगे। और रोजेसी जो है इसका फ्रूट लेग्यूम नहीं होता, तो इस तरह से हम मतलब इसको फेबेसी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात जिसके थ्रू एक और करेक्टर जिसके थ्रू हम फेबेसी ये आर एफ आर को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो ये है कि जो हमारा पहला आर एफ है रोजेसी फेबेसी इनके लीव्स स्टिप्यूलेट होते हैं और रेनानकुलेसी के लीव्स जो है वो एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं, यानी उनके साथ स्टिप्यूल नहीं होता। वो रोज की एग्जाम्पल हम ये स्टिप्यूलेटेड लीव में, तो आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हो कि रोजेसी पूरी के लीव्स और फेबेसी के लीव्स जो है वो स्टिप्यूलेटेड होते हैं और रेनानकुलेसी के लीव्स जो है वो स्टिप्यूलेटेड नहीं होते, यानी कि एक्स स्टिप्यूलेटेड होते हैं, ठीक हो गया। चलो अभी ना मैं उधर सिन कार्पस पे नहीं जा रहा, उनको नहीं मैं छेड़ रहा, मैं चाहता हूं पहले ये तीन कर लें तो वो आखिरी 5 जो है वो हम बाद में करेंगे। ये लो ये भी 4 जो है हमारा उनसे ही रिलेटेड है, हमारी आर एफ आर से रिलेटेड है। तो चलो भाई सैपल्स तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिए 5, पेटल्स अब 4 या 5 हो सकती हैं, इनकी मजीद हम डिफ्रेंशिएशन में यहां नहीं गए कि किसमें 4 किसमें 5 होंगी। अच्छा एक और बात, सारों के अंदर ही स्टेमन्स भी इंडेफिनेट होते हैं, कार्पल्स भी इंडेफिनेट होते हैं। लो जी रोला ही खत्म हो गया, कार्पल्स भी हमें पता चल गए, स्टेमन भी पता चल गए, और सैपल्स पेटल्स तो पहले ही पता थी। तो आर एफ आर रोजेसी फेबेसी रेनानकुलेसी में इनमें ये जो हमारे चारों वर लाइन के तो मसले ही हल हो गए, सब में स्टेमन इंडेफिनेट, सब में कार्पल्स इंडेफिनेट, सब में सेपल्स 5 और पेटल्स जो हैं वो या 4 होंगी या 5 होंगी। तो इसमें जो हमारी होती है ना रोजेसी फैमिली उसमें तो सारी की सारी फैमिली में ही पेटल्स 5 होती हैं, और जो रेनानकुलेसी फैमिली है उसमें जो है हमारे पास 4 भी हो सकती हैं पेटल्स और 5 भी हो सकती हैं।
अब ये जो हमने बात की है ना, ये जनरल कुलेसी और रोजेसी की है, इसमें फिबेसी को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। फिबेसी को हमने अभी अलग से डिस्कस करना है। तो आर एफ आर में से जो दोनों आर हैं उनके हवाले से हमारे जो मसाइल हैं वो, उनके हवाले से हमारे मसाइल जो हैं वो बाकी हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। ये आर आर की बात हुई है अभी कि उनमें पेटल्स सेपल्स 5, पेटल्स 5 या 4, सब में स्टेमन्स इंडेफिनेट, सब में कार्पल्स इंडेफिनेट, यानी गिनी ही नहीं जा सकती। तो इनको पहले फिर आर आर को कंप्लीट कर लें, फिर फिबेसी पे चले जाएंगे। अच्छा, कार्पल हमने बात कर ली है कि रनन कुलेसी में इंडेफिनेट होती हैं। रोजेसी में थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं हमें चेंज देखने में आता है कि कुछ प्लांट जो रोजेसी के होते हैं उनमें एक कार्पल होती है और कुछ होते हैं जिनमें इन अनगिनत या न्यूमरस या इंडेफिनेट होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इनफ्लोरिसेंस पे। जो रेनन कुलेसिक इनफ्लोरिसेंस है, इट कैन बी टर्मिनल सोलिटरी और सिंपल, और जो रोजेसी है इसकी इनफ्लोरिसेंस साइमोज या सोलिटरी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आर एफ आर में से, रिसोर्सेज फॉर रैंडम में से हमारा दोनों आर ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अभी हमारा एफ रह गया है जिसको हमने डिस्कस करना है, सिर्फ फ्रूट रह गया जो हमने डिस्कस करना है आर एफ आर का। अच्छा, तो जो रननकुलेसी का फ्रूट है वो एग्रीगेट होता है, और जो रोजेसी का फ्रूट है वो एकन्स भी हो सकता है, ड्रूप भी हो सकता है, और POME पोम या पोमी इसे कह लें, ये भी हो सकता है। तो ये दो दोनों हमारे आर हो गए। अब आ जाओ फेबेसी के ऊपर। फेबेसी जो फैमिली है ना, ये काफी बड़ी है। पहले तो इसके सिंपल करेक्टर, केलेक्स भी 5, करोला भी 5, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब रह गए रिप्रोडक्टिव वॉल्स। तो स्टेमन 10 होते हैं फिबेसी में यूजली, और कार्पल जो है वो एक होती है, एक कार्पल फिबेसी में, और स्टेमन्स कितने, स्टेमन्स 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ना फिबेसी को मजीद आगे, फिबेसी की ना मैं कह रहा था ना काफी बड़ी फैमिली है, तो इसको हम आगे सब फैमिलीज में ना मजीद भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड फिबेसी इंटू पेपिलियोनेसी, सिसलपिनियेसी और माइमोसेसी। पेपिलियोनेसी, सिसलपिनियेसी और माइमोसेसी, फेबेसी को हम तीन फैमिलीज में आगे आगे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको अभी किसी कोई ना कोई फॉर्मूला बना के याद कर लेना कि ये कौन कौन सी सब फैमिलीज हैं फिबेसी की। जिस तरह मैंने बनाया है, इसी तरह आप लोग भी थोड़ा सा देन लगा के इनको बनाने की कोशिश कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब इनके थोड़े से फिर करेक्टर पढ़ लेते हैं जो ये सब फैमिलीज हैं। इनके करेक्टर्स बेसिकली ना फ्रूट और इन्फ्लोरिसेंस में वेरी करते हैं, यानी पेपिलियोनेसी, सिसलपिनियेसी और माइमोसेसी की इन्फ्लोरिसेंस और फ्रूट एक्चुअली एक दूसरे से वेरी करता है। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स और कार्पल्स जो है वो सब में सेम है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, 5-5 पेरियांथ और स्टेमन्स 10 और कार्पल 1, तीनों फैमिलीज में ऐसा होगा। अच्छा, तो पेपिलियोनेसी में जो इन्फ्लोरिसेंस होती है, इट कैन बी सोलिटरी, ऑक्सिलरी, पेडंकुलेट, रेसीम, पढ़ा हुआ है आपने कि ये क्या होती है। मैंने भी पढ़ा हुआ है एक्चुअली। अच्छा, पेपिलियोनेसी का फ्रूट जो है ना वो पोड शेप होता है, पोड की तरह होता है। मैं कह रहा था ना सारी फेबेसी में जो है वो फ्रूट जो है वो लेग्यूम नहीं होगा, पोड वो कंस्ट्रिक्शन से याद कर लीजिए, जिस लेग्यूम में के सीड्स में कंस्ट्रिक्शन हो उसको पोड कहते हैं। अच्छा, तो पेपिलियोनेसी का फ्रूट पोड। सिसलपिनेसी जो है उसकी जो है इनफ्लोरिसेंस वो पेंडलस रेसीम होती है, और इसका फ्रूट लेग्यूम होता है, ठीक है। और जो माइमोसेसी है इसकी जो इनफ्लोरिसेंस है वो कंपाउंड साइमोज होती है, और इसका फ्रूट भी लेग्यूम होता है। लो भाई, 8 में से 5 भी हमने कर ली। रिसोर्सेज फॉर रैंडम रह गए, मेल कार्ब रह गए, क्या रह गए, मेल कार्ब रह गए। चल ठीक है, हाँ डेफिनेटली डाइगोट्स कॉम्प्लेक्स है, आसान तो फिर कुछ भी नहीं है ना। आसान तो ये है कि हम फीस ही ना जमा करवाते पीपीएससी की, अब वो फीस जमा करवा ली है तो अब तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना, फीस वाले पैसे भी तो हलाल करने हैं। चलो भाई, हम आ गए हैं माई कार्ब के ऊपर। माई कार्ब, इस माई कार्ब में से ये जो लव एक वर्ड मैंने बनाया, ये चले हम यहां लिख भी देते हैं, एम मेल कार्ब जो हमने बनाया, एम सी
ए आर बी। अब इन पांच फैमिलीज में से ये जो पहली चार फैमिलीज हैं, पहली चार फैमिलीज जो हैं, ओहो ये बी किधर जा रहा है हमारा, बी किधर जा रहा है, हाँ जी, तो ये जो पहली चार फैमिलीज हैं एम सी ए आर, एम सी ए माई कार की जो पहली चार फैमिलीज हैं ये वाली, एक को छोड़ के इसमें भी जो आखिरी फैमिली है ना, इसने अपनी अलहदा मस्जिद बनाई हुई है रेडेंट की, ये अलहदा ही मुल्ला बना हुआ है। ब्रासी किसी जो फैमिली है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी चार फैमिली से, सो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो फिर चार रह जाएंगे उनको हम जो है वो कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रासी केसी में देखो भाई क्या कहा था हमने पहले, याद कर लो, सेपल्स बैटल्स कितनी कितनी हो सकती हैं डाइकोट्स में, या चार या पांच, तो वो चार या पांच जो कहा गया था वो इसकी वजह से कहा गया था ब्रासी केसी की वजह से, कि इसके अंदर चार होती हैं, तो फिर हमें ये कहना पड़ा कि भाई चार या पांच होती हैं। तो ब्रासी केसी ही वो फैमिली है, गौर से देखिए इस फैमिली को, जिसमें सेपल्स और पेटल्स की तादाद चार चार होती है, स्टेमन छः होते हैं, कार्पल्स दो होती हैं, और फ्रूट जो है वो स्क्विला सिलिकुआ होता है। अच्छा मुझे इसका ना नाम देख के ब्रासी केसी का ऐसा लग रहा है बार बार कि वो इसमें से सवाल देगा, इसका नाम ही ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ब्रासी केसी में से सवाल लाजमी देता, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब एक्चुअली ये ना डाइकोट्स में बिल्कुल एक डिफरेंट सी फैमिली है, पेटल सेपल्स भी चार चार हैं, स्टेम भी डिफरेंट, तो ये हो सकता है कि यहाँ से सवाल मुल्ला को हमने कर लिया डिस्कस। हम 18 से चले थे, हम 4 पे आ गए, चलो वो 4 कौन कौन सी हैं, मालवेसी, रुटेसी, कुकरबिटेसी और एपीएसी, तो कुछ तो इनके बारे में हम बात जो है वो पहले ही कर लेते हैं। ये सारी की सारी फैमिलीज जो हैं वो टमेरस होती हैं, ठीक है, हाँ फर्द ये बात होगी, मेरे ख्याल तुम 2-3 मिनट पीछे चल रही हो, हमने बात कर ली है कि सेपल्स बैटल्स के अंदर चार चार होते हैं। अच्छा एनीवे बाकी जो चारों फैमिलीज हैं जी वो पेंटामेरस होंगी, पेंटामेरस का मतलब समझिए कि पांच पांच सेपल्स और पेटल्स का होना, तो हम कहेंगे पेंटामेरस है, ठीक है, चार चार, तो इसी तरह ब्रासी किसी को हम टेट्रामेरस भी कह सकते हैं, उसमें सेपल्स और पेटल्स चार चार हैं, इन चारों में पांच पांच है, तो हम कह रहे हैं कि ये चारों फैमिलीज पेंटामेरस हैं, पांच सेपल्स और पांच पेटल्स। लो भी सेपल्स पेटल का मसला हमने हल कर लिया है, ऊपर ये कार्पल की पोजीशन भी के हवाले से भी हमने पहले ही कह दिया था कि वो जो हमने एफ आर एफ था हमारा, आर एफ आर था एक्चुअली, वो एपोकार्पस था और ये पांचों फैमिलीज हैं, तो ये भी मैंने कहा चलो तुम लोगों को मैं याद करवा दूं दोबारा से। लो भाई अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, सेपल्स पेटल्स पहले डिस्कस कर लिए हैं, यहां से फिर हम शुरू करेंगे मालवेसी से, मेल कार्प से, सी ए आर से, ऐसे सही है। चलो मालवेसी के अंदर स्टेमन होते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट स्टेमन, ठीक है, मालवेसी को ऐसे याद रख लो, जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स काउंटलेस होते हैं, उसी तरह मालवेसी में स्टेमन इंडेफिनेट होते हैं, याद ही रखना है ना, तो मालवेसी को हमने वो ऊपर भी तो वो मेल 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 के नाम से याद रखा था ना, तो यहाँ हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं स्टेमन, क्योंकि अब इसका मेल पार्ट है, तो जिस तरह मेल्स के अंदर स्पर्म्स जो मेल गैमेट्स हैं वो काउंटलेस होते हैं, उसी तरह मालवेसी के अंदर स्टेमन इंडेफिनेट होते हैं, ठीक है, और इसके कार्पल्स भी इंडेफिनेट होते हैं। लो जी ये दोनों पॉइंट ही मजे के हैं, मतलब याद हो सकते हैं आसानी से, मालवेसी को मेल से याद रख लो कि इनके अंदर स्टेमन्स कार्पल इंडेफिनेट होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म इंडेफिनेट होते हैं, एग्जांपल रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन चलो याद रखने के लिए। अच्छा फिर जो दूसरा हमारा जो आता है इस फॉर्मूले में कुकरबिटेसी आती है, तो कुकरबिटेसी में स्टेमन्स होते हैं पांच और कार्पल्स होती हैं तीन, ठीक है, इसी तरह एपीएसी में स्टेमन होती हैं पांच और कार्पल होती हैं दो। अब यहां पर रट्टा काम करना है, यहां पर क्रैमिंग काम करनी है, सारा कुछ फॉर्मूलों से और अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो सकता होता यहां पर। अब देखो तुम लोग कहोगे कि भाई इसको भी ये कैसे याद करें, तो यहां पर फिर रट्टा इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं भी रट्टा इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह जो रुटेसी फैमिली है उसके अंदर स्टेमन की तादाद 10 होती है, तो ये स्टेमन कार्पल्स की भी बात होगी। अच्छा आगे चलते हैं इनफ्लोरिसेंस पे, जो मालवेसी की इनफ्लोरिसेंस है वो साइमोज है, रुटेसी की इनफ्लोरिसेंस भी साइमोज है, जो कुकरबिटेसी है उसकी इनफ्लोरिसेंस भी साइमोज है, लेकिन सिर्फ एक एपीएसी फैमिली है जिसकी इनफ्लोरिसेंस कंपाउंड अंबल है, ठीक है।
ब्रासी अच्छा, अब इन प्लांटों को अगर हम इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से, अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे जहन में आ रहा है कि इनको अगर हम इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, ये जो मेल कार्प वाला हमने 5 का ग्रुप बनाया है जो जो कि सिन कार्पस होती हैं, तो उनके उनमें भला क्या होगा? उनमें ब्रासी केसी की तो इन्फ्लोरेसेंस आई थिंक सो के सिंपल होती है, आई थिंक सो, ये हम यहाँ हमने मैंशन नहीं किया, उसकी इन्फ्लोरेसेंस आई थिंक सो सिंपल होती है, और जो एपीएससी है इसकी इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अंबल होती है। अब देखो सारी फैमिलीज में सिर्फ एक एपीएससी फैमिली है जिसकी इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अंबल है, ठीक है? अब ये एक नया पॉइंट आ गया कि सिर्फ अंबल कंपाउंड अंबल इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में होती है? एपीएससी में। तो एपीएससी को छोड़ के ये जो बाकी हमारे वो मेल कार्ब वाला 5 का ग्रुप है उनमें उनमें यानी बाकी 4 रह गए, तो ब्रासिकेसी में आई थिंक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है, और ब्रासिकेसी में आई थिंक जो है वो सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसके अलावा फिर जो 3 बचती हैं, तीनों में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। शायद तुम लोगों को लग रहा हो कि कॉम्प्लेक्स है, जरा इन इस फाइल के ना प्रिंट निकाल के बैठना दोबारा और लेक्चर सुनना हो दोबारा तो वो भी रिवाइंड करके सुन लेना। तो अब ये फिर जैसे जैसे मेरे जहन में जो जो बात आती जा रही है ना कि किसको किस तरह आसान तरीके से याद किया जा सकता है, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। बात चीज़ें जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे जहन में नहीं आ रही थी, हाँ, तो अब मैंने कहा कि अच्छा ये मेल कार्प का जो ग्रुप है इसमें एपीएससी पूरी की पूरी फैमिली में वाहिद फैमिली जिसमें इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अंबल होती है दैट इज एपीएससी, जिसको प्रीवियसली अम्बली फेरी भी कहते थे। बाकी रह गई 4 हमारे पास वो सिन कार्पस वाले ग्रुप में, तो उसमें जो ब्रासिकेसी है उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस आई थिंक सिंपल होती है, इसको देखना पड़ेगा मजीद। जो बाकी 3 है मालवेसी रोटेसी और कुकरबिटेसी, तीनों के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? साइमोज होती है। अब फ्रूट पे आ जाओ, मालवेसी में फ्रूट होता है शीजोकार्पिक, रोटेसी में होता है कैप्सूल या बेरी, हाँ, तो इससे साइमा याद क्या रखना है ये बताओ ना, साग यूज तो हो रहा है इससे क्या याद रखें ये बताओ जरा याद क्या रखना है इसे? अच्छा, और जो एपीएससी है इसका फूड क्रीमोकार्प होता है। अच्छा, ये टर्म भी हमने सिर्फ यहीं पढ़ी है, क्रीमोकार्प की कल तो पढ़ी थी लेकिन फैमिलीज के अंदर 18 फैमिलीज के अंदर हमने सिर्फ ये टर्म यहीं पढ़ी है क्रीमोकार्प। लॉज, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे, लॉज, काम खत्म हो गया हमारा, नहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता भी है, आपको बताता हूँ क्या रहता है। इन 18 फैमिलीज के अलावा जनाब एक फैमिली ऐसी है, हाँ, इससे बस ये याद रख लो कि साग है, साग ब्रासी के से। वाह, क्या क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है आप लोगों का। अच्छा, ये 18 होगी ना, एक और फैमिली चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है यूफोरबिएसी जिसके फ्लावर सेपरेट होते हैं, जिसके मेल फ्लावर सेपरेट होते हैं और फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं। अब इसके वाले भी एक टर्म थी हर्मेफ्रोडाइट की और यूनिसेक्सुअल की, तो जो 18 फैमिलीज हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना भाई, वो सारी की सारी बाईसेक्सुअल फ्लावर्स वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ यूफोरबिएसी के फ्लावर जो हैं वो होते हैं क्या उसको बोलते हैं, अलहदा अलहदा होते हैं। अच्छा नहीं, एक और फैमिली भी है, 2 फैमिलीज है, एक यूफोरबिएसी है तो और एक मोरेसी है, ये मोरेस अल्बा वाली। अच्छा, तो यूफोरबिएसी और मोरेसी के जो फ्लावर हैं वो फीमेल मेल और फीमेल फ्लावर अलहदा अलहदा होते हैं, तो टेक्निकली 20 फैमिलीज होगी हमारे पास, उनमें फिर जो 2 हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाली और जो 18 हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स वाली, ठीक है। अच्छा, यूफोरबिएसी की पेरियांथ के 5-5 लीव होते हैं, मतलब ये डाइकोट है, इसमें स्टेमन भी 5 होते हैं और कार्पल्स भी कार्पल्स होती हैं 3, तो ये चीज़ याद रखने की है, स्टेमन और कार्पल्स की तादाद और इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट, यहाँ पे आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा। यूफोरबिएसी की इन्फ्लोरेसेंस जी सिथियम हो सकती है या समटाइम्स रेसमोज और साइमोज भी होती है, और इसका फ्रूट जो है वो या रेगमा होता है या कैप्सूल होता है। इसी तरह मोरेसी जो फैमिली है इसकी जो पेरियांथ होती है यानी सेपल्स पेटल्स होती हैं उनकी तादाद 4 होती हैं और ये 2 वर्ल्ड्स में मौजूद होती हैं। इसके स्टेमन्स मेल फ्लावर में 4 होते हैं और डेफिनेटली फीमेल फ्लावर में नहीं होते, ऑब्वियस है भाई, बिल्कुल नहीं होते होंगे फीमेल फ्लावर में, और जो कार्पल्स हैं वो मेल फ्लावर में नहीं होती होंगी और फीमेल फ्लावर में उनकी तादाद 2 होती है, ठीक है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस रेसमोस कैटकिन होती है, फ्लावर के इसकी काफ़ी टाइप्स हैं, इट कैन बी सोरोसिस एकीन ड्रूप नट्स और समटाइम सिंकस। अच्छा, ये सिथियम वाला एमसीक्यूज कॉमन है भाई, फरहत ने ना बड़ी अच्छी तरह ये डॉक्टर वो क्या क्या नाम है जिसकी एमसीक्यूज की बुक,
उसको बड़ी अच्छी तरह रट्टे मारे हुए हैं, एक एक एमसीक्यू से इसको पता है कि कौन कौन सा आया हुआ है, किस कौन कौन सा नहीं आया। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू उसकी स्थितियाँ U4BAC का होता है। लो भाई, 20 फैमिलीज हमने डिस्कस कर ली हैं, बहुत बड़ा मार्क हमने मार लिया आज। चले ठीक है, यहाँ तक फैमिलीज होगी सारी। अब आपने ना एक काम करना है, सारों ने फैमिलीज को याद रखना, ना भी करें तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, खैर कर लीजिएगा, कि ये जो एक टेबल बना हुआ है ना, ये अगर आप लोगों को लगेगा कि ये इसमें कोई कोताही है या ये सही नहीं बना हुआ या ये इसको बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि आपने बैठना ही ये जहन लेके है, इन हैंडआउट्स के प्रिंट निकलवाने हैं और इनको सामने रख के ये जितने कुछ ऊपर टेबल्स में मेंशन किया गया है, आपने कोशिश करनी है एक बड़ा सा फ्लो चार्ट इसका बना ले, और जो बंदा अच्छा बना ले और वो किसी का भला करना चाहता हो तो वो ग्रुप में शेयर भी कर सकता है। तो उससे ये होगा कि अब क्योंकि देखो ना, हर बंदे की क्रिएटिविटी लेवल एक जितना तो नहीं होता, और हो सकता है कि आप लोगों में से कोई हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हो और वो हमसे बेहतर इन चीज़ों को अरेंज कर ले। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये कोशिश करनी है कि सारी डाटा को एक फ्लो चार्ट की शक्ल दें, वो डेफिनेटली आप लोग अपने लिए करेंगे, अपने अपने लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, इन चीज़ों को याद करने के लिए। तो जब वो आप एक पूरा फ्लो चार्ट बना लेना, और अगर आपको लगे कि वो अच्छा बना है तो वो फिर आप लोग शेयर कर दीजिएगा अगर वो करना चाहे तो। तो इससे ये होगा कि बाकी लोगों को भी याद करने में आसानी हो जाएगी। और अगर कोई, अब क्योंकि ये खत्म होने वाला टॉपिक, इसलिए मैं आप लोगों के 5 मिनट ले रहा हूँ, ये नीचे वाली चीज़ें 2 मिनट में हो जानी, ये आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है सारी। अच्छा, अब उसमें ना ये है कि अगर किसी बंदे के जहन में ये हो कि समटाइम्स होता है, मतलब ना कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि यार अगर मैं कुछ शेयर करूंगा ना किसी के साथ, जो बंदा यानी एक ऐसा बंदा जो मेरे साथ कम्पीट कर रहा है, तो अगर मैं उसके साथ शेयर करूंगा कोई चीज़ तो हो सकता है कि मतलब उसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ जाए। बहुत बहुत ज़्यादा बार लोगों के जहन में ये बात होती है कि यार मेरे कम आ जाएंगे, उसके ज़्यादा आ जाएंगे, इस तरह से चीज़। तो देखिए, हमेशा ना चीज़ बांटने से बढ़ती है। आप अगर किसी बंदे के साथ कोई भी चीज़ शेयर करोगे ना तो वो चीज़ बढ़ती है, वो कभी भी कम नहीं होती। तो अगर कोई बंदा ऐसा सोचता भी है, कोई बंदा ऐसा सोचता भी है, तो पहली बात तो ये कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आप लोग अगर किसी, हालांकि हम सारे कंपेटिटर ही हैं ना, खैर मैं तो नहीं हूँ आप लोगों का कंपेटिटर, आप लोगों की सीटें ही अलग हैं, लेकिन इवन अगर कंपेटिटर भी हो तो अगर आप किसी के साथ कोई शेयर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो ये ना सोचा कीजिए कि यार इस तरह तो ये इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी या ये हो जाएगी या वो हो जाएगी। हर बंदे की अपनी मेहनत, अपनी हार्डवर्क, अपनी स्ट्रगल होती है, और हर बंदे की अपनी जो है वो किस्मत होती है। तो बहरहाल ये है एटलीस्ट कि जब आप किसी बंदे के साथ कोई लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं ना, अब ये सबसे अच्छा जुमला है जो मेरे दिन में आया, जब आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही आसान होना शुरू हो जाती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर 2 घंटे लगा के ये आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो आप मुझे, आप लोगों को पढ़ाने पढ़ाने में ही मुझे ना आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सेम अप्लाइज टू यू गाइस। तो कोशिश किया कीजिए कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन किया करें। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन का मकसद यही है, फ्लो चार्ट बनाना है, बना लीजिएगा, काफ़ी हो गया है। रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज ऑफ ऑल द फैमिलीज, काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जैसे कि हमने बात की, तो हर एक फैमिली का ना एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे माँ बाप का एक बीबा बच्चा नहीं होता है जिसका वो तारा सबके सामने करवा रहे थे, ये मेरा पुत्र सबसे अच्छा है, इसी तरह हर फैमिली का एक एक बच्चा है जो सबसे अच्छा है और वो सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंट करता है उसकी फैमिली को, उस पूरी फैमिली को। जैसे शरीफ फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव मरियम नवाज है, या ये जो पीपल्स पार्टी का एक सबसे मेन रिप्रेजेंटेटिव बिलावल भुट्टो है, तो इसी तरह ये जो फैमिलीज हैं इन्होंने भी अपने अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं। जैसे कि रनन कुलेसी ने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, मालवेसी के एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको और मुझे यानी हम सारों को हर फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव का नाम आना चाहिए, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। अब यहाँ पर 1-2 फैमिलीज ऐसी होंगी आई थिंक जिनके 2-2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स। एक बुक में हमने देखा तो हमें एक नेम एक रिप्रेजेंटेटिव मिला, दूसरे तो इस तरह से कुछ फैमिलीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा ज्यादा हो। तो ये सारा रट्टा है, ये आप लोग माशाल्लाह लगा ही लोगे। इसी तरह ये जो फेबेसी फैमिली है, अब क्योंकि ये आगे 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड है, तो हर एक सब फैमिली का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, चलो तो ये याद होने चाहिए भाई। यहाँ पे 16 फैमिलीज मेंशन है, यहाँ पे 16 फैमिलीज मेंशन है।
यहाँ पे 16 families mentioned है, ठीक है, तो सबके representatives के नाम और उनके scientific name हम सबको पता होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिलीज विद द मल्टीपल नेम्स. देखिए कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पहले कोई और नाम थे, अब हमने कोई और नाम रख लिए, तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली का पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है. जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली को पहले कंपोजिट फैमिली कहते थे, ब्रासिकेसी को पहले क्रूसीफ्री कहते थे, फेबेसी को लिग्यूमिनोजी कहते थे, एपीसी को एम्बलीफेरी कहते थे, सोन. ये टोटल हमारे पास कितनी 8 आई थिंक फैमिलीज हैं जिनके ओल्ड नेम्स थे और अब उनके जो है वो न्यू नेम्स हैं. ठीक है, तो ये इन 8 फैमिलीज के आपको जो ओल्ड नेम्स हैं वो भी भाई पता होने चाहिए. इसके अलावा ब्रासिकेसी फैमिली को ना इसके वो मॉडल रिप्रेजेंटेटिव की वजह से मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं और लिमिएसी को मिंट फैमिली भी कहते हैं. यानी ये वो नाम है इन दोनों फैमिलीज के जो कॉमनली यूज होते हैं. अच्छा, अब ओल्ड नेम न्यू नेम में और कॉमनली यूज नेम में ना फर्क है. हाँ, कॉमनली यूज नेम और ओल्ड न्यू में फर्क है. ओल्ड न्यू बेसिकली साइंटिफिक नेम है, कॉमनली नेम ये हमारे रखे हुए हैं. ठीक है, तो ये ओल्ड न्यू नेम जो है ये पुराने साइंटिफिक नेम है और न्यू नेम नए साइंटिफिक नेम है. और भाई इनमें से एमसीक्यूज भी आता है. अब ये को कहने की बात तो नहीं है, जिस चीज के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं उसमें से एमसीक्यूज तो आता ही होता है. चल, ये भी हो गया. अगर हम आगे चलें तो अब यहां पर हमने कुछ कॉमन नेम्स भी डिस्कस किए हैं कुछ फैमिलीज के, कि किस फैमिली का कॉमन नेम क्या है. जैसे रोजेसी को हम रोज फैमिली कहते हैं, माइमोसेसी को ना एकेशिया फैमिली या माइमोसा फैमिली भी कहा जाता है, माइमोसा पेड्यूका की वजह से, प्यूडी का है एक्चुअली. अच्छा, मोरेसी को मलबेरी फैमिली भी कहते हैं और ननकुलेसी को बटरकप फैमिली भी कहते हैं. ठीक हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, यानी ये 3-4 चीजें जो हमने लिखी हैं यहाँ पर, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो बुक्स में हमें बार बार मिले हैं, जो एमसीक्यूज की लेक्चरशिप की बुक्स वगैरह मिलती हैं, लेक्चरशिप की बुक्स वगैरह मिलती हैं उनके अंदर ये एमसीक्यूज काफी पूछे गए थे, तो हमने इनको इंक्लूड कर लिया. हालांकि ये वाले जो प्लांट हैं ये वो वाले प्लांट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. जैसे मूंगफली के बारे में पूछा गया है अक्सर, तो ये फैमिली पेपिलियोनेसी से है. शीशम और मेथी के बारे में अक्सर पूछा जाता है सवाल, तो ये फैमिली फेबेसी से है. सोपवर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो ये फैमिली केरियोफिलेसी से है. ठीक है, आखिरी चीज, अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए. ये सारे कॉमन प्लांट हैं और ये इंटरव्यू में बड़े पूछे जाते हैं. जैसे कि अब मिसाल के तौर पर टिंडा, वाटरमेलन, हलवा, कद्दू, करेला, इश्क पीचा, शकरकंजी, ये लाल मिर्च, टमाटर, धनिया, पुदीना, सारी सब्जी की दुकान ही खुल गई है इधर. तो ये जो सारे प्लांट है ना ये एक्चुअली अब क्योंकि बड़े कॉमन है और हमारे डेली यूज में है, तो इंटरव्यू में हम जाएं तो अक्सर जो है ना वो हमसे इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं और फिर बिस्ती भी होती है अगर ना होता हो तो. ये भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं. साइंटिफिक नेम वाली एक फाइल मैं बनाने की सोच रहा हूँ कि उसमें एटलीस्ट ना जो मेन नॉन प्लांट है हमें 300-400 बनेंगे मेरे हिसाब से, तो टोटल आई फील सो कि 300 बनेंगे. तो 300-100 प्लांट्स की ना अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी फाइल बनाई जाए साइंटिफिक नेम्स की और वो सबको सर्कुलेट कर दी जाए कि बैठे रहो, रट्टे लगाते रहो. तो अगर सबको वो साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे ना तो ये मसला तो हल हो जाएगा कि किसका साइंटिफिक नेम क्या है. तो उस फाइल में हम कोशिश करेंगे कि 250-300 जितने भी मेन है ना, या इस फाइल में तो ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 50 के अराउंड होंगे. ठीक है, तो 250-300 इन टोटल याद करने पड़ेंगे. तो उसके लिए फाइल बनाते हैं, वो फिर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा. दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे. अब मैं जरा आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं. अच्छा, मतलब कमेंट्स में कोई काम की बात नहीं है. ठीक हो गया, चले. जेनेटिक्स के एमसीक्यूज नहीं बोलते जो पहली और आखिरी दफा आपके कॉपी करे थे, वो गलत हो गए होंगे ना, इसलिए तो मैंने बोलते हैं. मुझे तो ये भी याद नहीं कि आपने मेरे एमसीक्यूज कॉपी किए थे या नहीं किए थे. जेनेटिक्स हमने पढ़ी कौन सी थी 8वें सेमेस्टर में? 8वें सेमेस्टर में तो जेनेटिक्स पढ़ी नहीं है, क्यों भी जाना.
नहीं आप लोगों ने इसको भी डॉक्टर नादिया जुने रियाज की क्लास समझ ली है, हालांकि है नहीं। चले भाई 9 लोग हैं अभी, तो जरा सोनिया आप भी रुक जाइए, रुक जाइए, और बाकी लोग अगर कोई सवाल है तो फिर पूछ लो। एक ये मसला ये है कि आप लोग ज्वाइन करते हो ना, ये ज्वाइन करते हो लाइव सेशन ज्वाइन करते हो, तो जहां से चल रहा होता है ना, ये जो जहाँ से आप ज्वाइन करते हो ना वहां से करते हो अभी, मतलब 9 लोग हैं तो आधे लोग पीछे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कौन सी बात हो रही है, वो 2 पेज अभी पीछे चल रहे होंगे। तो एक तो ये चीज भी है जो यानी आप जब ज्वाइन किया कीजिए ना, तो ये ऊपर लाइव वाला एक होता है बटन, उसको क्लिक कर लिया कीजिए ताकि आप लोग साथ साथ रहें। अभी मैं अब 2 मिनट हो गए मुझे कंप्लीट, अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ भी एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं एंड कर दूंगा स्ट्रीम, बाद में कहेंगे अच्छा जी मैंने सवाल पूछना था आपने स्ट्रीम ही एंड कर दी, तो ऐसा भी होता है, अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ना अभी फिर देखो ये कमेंट्स में दोबारा पूछने लगा हूँ, कोई सवाल है बुला बुला, ओए बच्चों कोई सवाल है कोई सवाल ना जी, बोलना ही नहीं हमने तो, वी आर सुमुन उमियन बुकमुन। जी, अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को 10-15 मिनट, ये कर लीजिए डिस्कस। एक वो होता है ना टीवी ड्रामे का एपिसोड लगता है, ये वो एपिसोड हो गया, और जब वो बड़ा एपिसोड लगे तो वो कहते हैं महा एपिसोड है, तो ये आज का महा सेशन था। हाँ ये आज का महा सेशन था ऑन द फैमिली जो के कंप्लीट हो गया, अब हम कह सकते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो इसमें से जो जिसका सवाल है, जिसको जहां से समझ नहीं आई वो पूछ ले, ठीक है, और इसको ना सारे लोग शेयर कर देना। अब एक और काम करना, सॉरी सारे लोग जो है वो लाइक कर देना एक, तो अब जिसने सब्सक्राइब ना किया वो भी कर ले, थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर लेना एंड पे। अच्छा तो एक काम करना, सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और जब ये लाइव चैट खत्म हो ना तो फिर दोबारा इस लिंक पे आके ना कमेंट, पब्लिक कमेंट कर देना, यहाँ पर तो बड़े कमेंट तुम लोगों ने कर लिए हैं, पब्लिक कमेंट भी कर देना, ठीक है, सारे लोग ही एक एक दो दो, और कोशिश करना कि इस वीडियो को शेयर कर दे। अब ये हमारी सबसे ज्यादा मेहनत इस वीडियो पे हुई हुई थी, सबसे ज्यादा टाइम हमने इस पे इन्वेस्ट किया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस हमारी वीडियो की जो रीच है वो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा लोग इसको सुने, ठीक है। हाँ मेरा मतलब सवाल है, इन नोट्स से गुजारा हो सकता है, आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मैंने केमिस्ट्री वालों ने पूछा है, हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कहाँ से आया था, मैंने जिस बंदे से पूछा है वो लम्स का, लम्स से उसका एमफिल है, हमारी यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रेजुएशन है, लम्स इज लम्स, ओके। सो उसने कहा कि भाई एमफिल मिला के केमिस्ट्री की 6 सालों में मैंने सिर्फ एक सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी थी, और 70% पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री में से आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए किसी को भी नहीं आता था। अब गुजारे का मतलब ये है कि अगर वो पेपर ही हमारा उठा के सारा फिजियोलॉजी से दे देता है, और फिजियोलॉजी भी वो जो एडवांस्ड है, यानी 80 MCQs बॉटनी यानी वो 50 उठा के फिजियोलॉजी में से दे दे, तो आज वो कर लो है फिजियोलॉजी में से, और वो मॉलिकुलर बायोलॉजी में से दे दे उठा के, तो फिर तो मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमारे लिए करना, अगर पेपर इतना ही एडवांस लेवल का आ जाता है, तो फिर तो हम बिल्कुल वेले। या वो क्या करें कि जैसे कि हमने ना एक पढ़ी है, एक सब्जेक्ट पढ़ा है इकोनॉमिक बॉटनी का, वो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें हमने पल्सेस बीन्स लेग्यूम्स इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, तो अब अगर वो बड़ी डेप्थ में जाके उस तरह के सवाल पूछना शुरू कर दे तो फिर भी हम वेले हैं, हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसी तरह जो जो करेक्टर यानी हमने मिस किए हैं, चलो इसको छोड़ो कि एक मेन सब्जेक्ट को उसने टारगेट कर लिया और उसमें से ज्यादा पेपर का हिस्सा दे दिया और वो हम अटेम्प्ट नहीं कर सके, तो अच्छा तो वो हम अटेम्प्ट नहीं कर सके, ये तो एक हो गया ना, ये तो एक एक्सट्रीम होगी। अगर वो मिसाल के तौर पे ऐसा करे कि उसने सिस्टमेटिक्स में से और टेक्सोनमी में से, आपको फर्ज करेंगे उसने ज़ेहन बनाया कि मैंने 10 MCQs देने हैं, और वो 10 MCQs ढूंढ ढूंढ के मुश्किल से देना है, मिसाल के तौर पे अब हमसे वो पूछ ले कि
कि भाई बताओ जो है वो पीपल, उसकी उसका जो लीव है वो कैसा होता है। अब नीचे वो चार शेप, चार दे दे ऑप्शंस, हम वे लें, हमें नहीं पता, हमने तैयारी नहीं की उस हिसाब से। यानी अगर वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके पूछेगा फिर हम नहीं बता सकेंगे। लेकिन अब ये आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग ऐसा करो कि जो 2017 का पेपर है उसमें से देखो, टेक्सोनमी, सिर्फ टेक्सोनमी देखनी है कि उसका कौन कौन सा सवाल आया टेक्सोनमी में से, वो सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग 2014 का पेपर देखो, वो भी है, वो ग्रुप में है, उसके भी टेक्सोनमी के सारे सवाल हो जाएंगे। इसी तरह आप वो डॉक्टर, एक वो डॉक्टर साहब वाली जो बुक है, जो लेक्चरशिप की है, कारवान वालों के आई थिंक, उसमें टेक्सोनमी निकाल के देखो, उसमें भी आपके काफी सारे सवाल हल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, क्योंकि हमने कुछ चीजें मिस की हैं, दैट वी ऑल नो। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट गुजारा हो जाएगा। गुजारे का ये मतलब है कि मैं देखो ना फरहत, हमने तुमने भी काफी कोशिश की होगी, मैंने भी कोशिश, मैंने ना इंटरनेट छान मारा, ये इंडिया वाले हमसे बॉटनी में बहुत आगे हैं। मैंने इनके एक एक बंदे की वीडियो निकाल के देखी कि किसी तरह हमें सारी फैमिलीज का कंपेरिजन दे। उनका सारे का सारा फोकस वो नीट के स्टूडेंट्स पे होता है, जैसे हमारा एमकैट है, उनका नीट होता है, तो नीट में उनकी पांच फैमिलीज आई थिंक, तो सिर्फ पांच फैमिलीज याद करवाते हैं, पांच करवाते हैं या तीन करवाते हैं आई थिंक। सो मुझे कोई भी एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां से कोई भी ऐसा मतलब बंदा नहीं मिला जो इतनी डेप्थ में इतनी फैमिलीज के करेक्टर्स जो है वो किसी तरह से याद करवाए या कोई उन पर किसी का लेक्चर हो। सेम अप्लाइज ऑन द स्टूडेंट्स। मुझे ये बताओ कि अगर हम हमारे जहन में ये बात ना आती, जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, तो अगर हमारे जहन में ये बात ना आती कि यार इसको ऐसे करते हैं कि ये याद हो जाए, तो किसी को भी नहीं याद होना था, ठीक है। हमने कोई अपना हफ्ता 10 दिन इन्वेस्ट किए हैं तो ये चीज बनी है ना, तो सेम अप्लाइज ऑन ऑल द स्टूडेंट्स। ये किसी के भी जहन में इतनी ऐसी खराफाती बातें नहीं आती कि अपने हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन वेस्ट करो और इतनी मेहनत से एक चीज बनाओ। तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि गुजारा इस तरह हो जाएगा कि बाकी लोगों के मुकाबले में, बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में हमारी तैयारी काफी बेहतर है। इसमें और ऐड लीव्स, लीव्स के बारे में चीजें ऐड की जा सकती थी, बाकी मतलब ऐसा और कुछ बचा तो नहीं है। ये हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़ा पुण्य का काम कर लिया, लेकिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो देखो ना हमेशा रहती ही है ना। याद करने के बाद क्वेश्चंस आएंगे, साइमा कह रही है, अब ये इसका क्या मतलब है जी। हाँ वो फंजाई दे दे तो बस वेले हम सारे लोग। जिसने पेपर बनाया होगा वो क्या इतना वेला है कि वो बैठ के मेरी वीडियो निकाले। अल्लाह के हुक्म से हमारी वीडियो तो किसी भी कीवर्ड से सर्च करें सबसे एंड पे निकलती है, तो ये तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और तो किसी को पता ही नहीं है। हम कौन सा क्या कहते हैं कि सेलिब्रिटी है कि हमारी, हम वीडियो बना रहे हैं तो हर बंदे को पता चल जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वी आर गुड टू गो। कुछ सवाल है किसी का, किसी को सजेशन? हाँ मैंने कहा था ये, इसको सारे लोग ना एक एक पब्लिक कमेंट कर देना, ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना आगे आज, ठीक है, सारे लोग कर देना। हाँ जब याद करेंगे डेफिनेटली तभी क्वेश्चन आएंगे। हाँ ठीक है भाई, बस करें फिर, क्या कहते हैं आप लोग। चैलेंज दिस इज ऑल गाइज फॉर टुडे, फॉर व्हाट वी हैव टुडे। फैमिलीज का हो गया सेशन खत्म। आप सबका बहुत शुक्रिया फरद के लिए, ये फरद की इस सेशन में सबसे ज्यादा एफर्ट फरद की थी। फरद का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, सबसे एंड पे भी, कि उन्होंने ये इसमें मुझे हेल्प आउट किया ये डॉक्यूमेंट बनाने में। फरद के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए अपने अपने घर में बैठे हुए, ये भी खुश हो जाएगी। तो बस बाकी फिर ठीक है, चले ओके जी, ओके, मुझे इजाज़त दीजिए,
अपना ख्याल रखिए, आपसे अब वीकेंड पे तो दोनों दिन मुलाकात होगी, दो दो सेशंस के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।